और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। राजनाथ सिंह ने अपने जम्मू कश्मीर के दो दिनों के दौरे के अंत में किए कई अहम ऐलान, कहा शीघ्र आएगा पैलेट गन का विकल्प। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के दायरे में किसी से भी बातचीत को तैयार, कश्मीरी युवाओं की समस्याओं को सुनने के लिए होगी नोडल ऑफिसर की तैनाती। भारतीय नौसेना की स्कॉर्पिन पनडुब्बी से संबद्ध गुप्त जानकारी लीक होने के मामले पर सरकार ने कहा कि इससे देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियों में जलस्तर घटने और स्थिर रहने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में स्थिति अभी भी गंभीर, बाढ़ की स्थिति पर है प्रधानमंत्री की नजर। अफगानिस्तान ने साधा पाकिस्तान पर निशाना, कहा बुधवार को काबुल स्थित अमेरिकी विश्वविद्यालय पर हुए हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गई थी, कहा दोषियों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान। ओडिशा के कालाहांडी जिले के भवानीपटना में दीना मांझी अपनी पत्नी के शव को कंधे पर रखकर 10 किलोमीटर पैदल चले, मामला सुर्खियों में, पैसे नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं मिली थी मांझी को। केरल के कन्नूर जिले में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर सीपीएम कार्यकर्ताओं का हमला, आरएसएस कार्यकर्ता घायल, चल रहा है इलाज, घटना के बाद इलाके में है तनाव। इटली के पर्वतीय इलाके में बुधवार को आए जोरदार भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 250, 400 से भी ज्यादा लोग घायल, ऐतिहासिक शहर अमाट्रिस तबाह। निर्भया गैंगरेप केस में दोषी विनय शर्मा ने की तिहाड़ जेल में आत्महत्या की कोशिश, पहुंचाया गया अस्पताल, विनय की स्थिति खतरे से बाहर। शीना बोरा हत्याकांड मामले में नए ऑडियो टेप लीक होने से शीना के पिता पीटर मुखर्जी भी संदेह के घेरे में, पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के साथ हत्या के सबूतों को दबाने में थे शामिल। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली एथलीट ओपी जैशा को स्वाइन फ्लू, अस्पताल में भर्ती, बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत के साथ ओलंपिक में हिस्सा लेकर स्वदेश लौटी हैं जैशा। वैज्ञानिकों को पृथ्वी की तरह जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह मिला, प्रॉक्सिमा बी दिया गया है नाम, प्रॉक्सिमा बी 11 दिनों में करता है अपनी परिक्रमा पूरा। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जन्माष्टमी समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और संघ सर कार्यवाह भैया जी जोशी हुए शामिल। रात 12 बजे मथुरा में कान्हा का जन्म होते ही श्रद्धा की हिलोरें उठ गई, मंदिर संघ घरों से जय कन्हैया लाल के सामूहिक स्वर फिजाओं में गूंजी। आईआरसीटीसी दूसरी बार फॉर्च्यून 500 में शामिल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने रेल सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने में निभाई है अहम भूमिका। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी से। नमस्कार। We'll be right back.